नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं पिजन का इलेक्ट्रिक टोस्टर का। आज के जमाने के फास्ट लाइफ में ये इलेक्ट्रिक टोस्टर अगर नहीं होगा तो आपका सुबह का टाइम बहुत स्लो हो जाएगा, और अगर ये होता है तो आपका सुबह का टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा। आपको कहीं पे जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, ये होने से टाइम बचेगा, क्योंकि ये एक मिनट में आपके लिए नाश्ता तैयार कर सकता है। आपको तो पता ही होगा टोस्टर से क्या करते हैं, ब्रेड टोस्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा टोस्ट बनता है। और ये पिजन का टोस्टर है, और जैसे कि मेरा चैनल पे होता है, मैं हमेशा यूज करने के बाद उसका रिव्यू करता हूँ। तो इसका 1.5 साल होने वाला है, इसका प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए, मैंने कब खरीदा था, नवंबर 2018 में खरीदा था, तो 1.5 साल हो गया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको पास से देखते हैं। तो ये है वो इलेक्ट्रिक टोस्टर पिजन का, आप देख सकते हैं। सामने 1 से 7 तक का ये पावर स्विच है, आप इससे इसका जो हीटिंग पावर है इसको बढ़ा सकते हैं। और साइड में कैंसिल का बटन है, और ये लीवर है जिसको दबा के ब्रेड को अंदर डाला जाता है। और ऊपर का हिस्सा ऐसा है, ये स्टील का है, और अंदर देखिए हीटिंग एलिमेंट है। जब ये ऑन होगा तब ये लाल हो जाता है। पीछे में एक ट्रे मिलता है, इसे निकल जाता है, इसमें से जो गंदगी है वो निकल जाता है। और ये देखिए, इसका जो कोर्ड है या वायर है वो इतना लंबा है जो किचन के लिए काम आ जाता है, नहीं तो आपको टेबल पे रख के वॉल सॉकेट में लगाना पड़ेगा। और ये जो प्लग है, ये छोटा वाला प्लग है जो किसी भी बोर्ड में फिट हो जाता है। अगर आप अपने तवा पे टोस्ट बनाते हैं तो आपको पता होगा कि टोस्ट बनाने में कितना टाइम लगता है, मतलब 5 मिनट जैसा लग जाता है, लेकिन इससे 1 मिनट में बन जाता है। और ये ऑटोमेटिक पॉपअप टोस्टर है, जैसे सभी टोस्टर में होता है, मतलब देखते रहने का जरूरत नहीं है, जब टोस्ट रेडी हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। ऑफिस के लिए जाना हो या बच्चों के लिए टोस्ट बनाना हो, जल्दी से 1 मिनट में बन जाता है। तो ये मस्त बाय प्रोडक्ट है। तो ये है नीचे का हिस्सा, यहाँ पे लिखा है ये 700 वाट का एक टोस्टर है, और मैन्युफैक्चरिंग ईयर है अगस्त 2018, और नवंबर में मैंने खरीदा था, तब से बढ़िया चल रहा है। मतलब लुक वाइज और दाम वाइज ये बहुत अच्छा है। इसका दाम है 1000 के आसपास, और इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप इसको खरीद सकते हैं। और बहुत साफ सुथरा है, ये पूरा व्हाइट कलर का है, बहुत साफ है, तो ये आपके किचन पे होना ही चाहिए। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ 2 ब्रेड, डाल रहा हूँ 2 ब्रेड्स यहाँ पे, उसके बाद हीटिंग को देता हूँ मैं 3 पे, स्विच ऑन, और इसको दबाना है नीचे। तो चालू हो गया है, अभी जल्दी ही बन जाएगा गर्मा गर्म टोस्ट। आप देख सकते हैं अंदर ये हीटिंग एलिमेंट रेड हो गया है, गर्म हो रहा है। और यहाँ पे ये जो बटन है इसको दबा के कैंसिल कर सकते हैं, और हीटिंग आप बहुत दे सकते हैं। मैं 3 पे दिया हूँ, 3 पे अच्छा हो जाता है, और ऑटोमेटिक है, जब ब्रेड बन जाएगा ऑटोमेटिक बाहर निकल आएगा। यही तो है सभी टोस्टर का खासियत। देखिए बन गया और रेडी हो गया गर्मा गर्म टोस्ट। देखिए कितने अच्छे से टोस्ट हुआ है, गर्म है। देखिए कितना अच्छा बना है। तो अभी बटर लगाइए और खाइए चाय के साथ। तो अभी मैंने बटर लगाया, देखिए खाने का मन हो रहा है ना। अगर खाने का मन हो रहा है तो अभी इसको ऑर्डर दीजिए, पिजन का है, बहुत अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिला है, दाम भी कम है, तो अभी इसको ऑर्डर दे दीजिए। लेकिन दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा, गर्म ब्रेड को कभी भी ऊपर ऐसे मत रखिए। तो क्या होता है, ये प्लास्टिक का बॉडी है, तो देखिए मैंने रखा था तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा पिघल गया है। तो आपने देख लिया, और आपको भी अभी गर्मा गर्म टोस्ट खाने का, क्रांची टोस्ट खाने का मन कर रहा होगा, तो अभी इसको खरीदिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।